आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा कि दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन की भौगोलिक सीमाओं का ज्ञान नहीं है। और एक मीटिंग में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां तक कह दिया था कि भारत की सीमा चीन के साथ नहीं लगी है। यह सुनकर प्रधानमंत्री मोदी आश्चर्यचकित रह गए थे। यह दावा अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के दो पत्रकारों फिलिप रकर और कैरल लियोनिंग ने अपनी नई किताब अ वेरी स्टेबल जीनियस में लिखी है। किताब में दावा किया गया है कि ट्रंप की बात सुनकर पीएम मोदी के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए थे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी मानो वो ट्रंप के बारे में कह रहे हों कि ये शख्स गंभीर नहीं है, मैं इस आदमी को एक साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और उन्होंने इस बैठक को बीच में ही छोड़ दिया था। ये दोनों पत्रकार उस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने 2018 में ट्रंप और रूस से जुड़ी रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। भारत और चीन के बारे में की गई ट्रंप की इस टिप्पणी का दावा ट्रंप के करीबी सूत्रों के आधार पर किया गया है। 417 पन्नों की इस किताब में कहा गया है कि इस घटना के बाद भारत ने अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को एक कदम पीछे खींच लिया था। हालांकि किताब में यह नहीं बताया गया कि यह वाक्या दोनों नेताओं के बीच कब और कौन सी मुलाकात का है। अमेरिकी सरकार के कुछ पूर्व सलाहकार कई बार कह चुके हैं कि ट्रंप खतरनाक रूप से बेखबर और अज्ञानी है। अमेरिकी मैगजीन टाइम और पॉलिटिको ने एक ऐसी प्रेस वार्ता का जिक्र भी किया था जहां ट्रंप ने यह कहा कि वो जानते हैं कि नेपाल और भूटान भारत के ही हिस्से हैं। तब ट्रंप के सलाहकारों ने उनकी गलती को सही किया और उन्हें बताया कि ये दोनों स्वतंत्र देश हैं। इन प्रसंगों के सामने आने के बाद ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि ट्रंप का ज्योग्राफी यानी भूगोल का ज्ञान लगभग शून्य है और इस ज्ञान की कमी ने ही उन्हें एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने शर्मिंदा कर दिया। आगे इस तरह की शर्मिंदगी से बचने के लिए ट्रंप को दक्षिण एशिया के नक्शे का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। वैसे ट्रंप का यह बयान सामने आने के बाद भारत के लोगों ने भी गूगल पर भारत और चीन की सीमा के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों के अनुसार लोगों ने दोनों देशों की सीमा की लंबाई और उस जगह के बारे में सर्च किया जहां यह सीमा भारत से मिलती है। भारत में कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें भारत और चीन की सीमा के बारे में जानकारी नहीं होगी। ऐसे में हम तेजी से भारत और चीन की सीमा और यहां के भूगोल से जुड़े कुछ तथ्य आपके सामने रख देते हैं। इससे डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार भी लाभ उठा सकते हैं। भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद कभी सुलझ नहीं पाया, यह आज भी अपने आप में विवादित है। दोनों देशों के बीच एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और चीन के सैनिक इसका बार बार उल्लंघन करते रहते हैं। यह सीमा करीब 3,500 किलोमीटर लंबी है और इस पर यथास्थिति बनी हुई है। यह सीमा भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई है। ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच 1914 में शिमला समझौता हुआ था जिसके तहत मैकमोहन लाइन अस्तित्व में आई थी। मैकमोहन रेखा का नाम ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। यह रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच है। हालांकि चीन ने इस रेखा को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो तिब्बत को चीन का ही हिस्सा मानता था। भारत मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है जबकि चीन इसे मानता नहीं है। भारत और चीन की सीमा के संदर्भ में जो आप बार बार LAC का नाम सुनते हैं उसे 1993 और 1996 में भारत और चीन के बीच हुए समझौतों के तहत मान्यता मिली थी। हालांकि इन समझौतों में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि LAC को मान्यता देने का मतलब यह नहीं है कि चीन और भारत बॉर्डर को लेकर अपने अपने दावों से पीछे हट गए।